बुलंदशहर में कांस्टेबल अंकित का सरकारी क्वार्टर में पंखे से लटका शव मिला। अग्निशमन विभाग डिवाई में तैनात था। मृतक जवान छुट्टी के बाद 14 फरवरी को ही ड्यूटी पर वापस आया था। पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर मृतक के शव को लिया कब्जे में और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूत्रों की माने तो गृह क्लेश के चलते मृतक अंकित ने आत्महत्या की है। कैसे हुई है, क्या पूरा मामला? ये सर, हम 4 बजे करीब हमारे यहाँ वो फटीक होती है, तो हमने सभी को घंटी बजा के बुलाया सभी को, तो ये नहीं आया वहाँ पे जी। हमने अपने मुंशी को भेजा जसपाल सिंह को, तो वो गया, वो बहुत किवाड़ पीटे उसने, नहीं खोला उसने। तो फिर हम सब लोग गए, फिर पूरा स्टाफ गया साथ में, तो वहाँ हमने बहुत बजाया, नहीं खोला इसने। फिर हमने एक बच्चे ने उधर से जो है सीढ़ी लगा के कमरे में देखा, शीशे से में दिख नहीं रहा था, कंकड़ी मार के थोड़ा सा छेद हो गया उसमें, तो उसमें देखा बच्चे ने, तो बोले अंकल ये तो उस पर लटक रहे हैं पंखे पे। फिर हमने इंस्पेक्टर साहब को बुलाया और सब अधिकारियों को अवगत कराया, सभी लोग आ गए। फिर जाके कमरा किवाड़ तोड़े उसके कमरे के, किवाड़ तोड़ के फिर जो है उनको देखा तो शव लटका हुआ था उसका पंखे पे। क्या नाम है इनका, किस पद पर तैनात थे? ये फायरमैन है हमारे यहाँ, अमित कुमार नाम है इनका। तो बताया जा बागपत के रहने वाले हैं।